अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपका शेफ अफजल नजामी। आप देख रहे हैं नजामी स्वीट एंड कुकिंग। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ जो है इस चैनल को लेके चल रहे हैं और इसी तरीके से लेके चलते रहे, और आपके कमेंट जो है वो मुझे मिलते रहते हैं। इसी तरीके से प्यार बढ़ाते रहिएगा और अपने चैनल का ख्याल कीजिएगा। आज जो है बड़ी थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, और ये रेसिपी जो है ये मैंने बजाते खुद बनाई है। उसकी वजह ये है कि कुछ सोचता रहता हूँ कि थोड़ा बहुत सी कोई स्वीट जो है वो अच्छी वाली बन के निकल के आ जाए और थोड़ी सी हटके भी हो। तो आज हटके ही बनाने वाली चीज है, आज है खोया पराठा। ठीक है, आलू का पराठा सुना होगा, कीमे का पराठा सुना होगा, चीज वाला पराठा सुना होगा, बलों वाला जो है बालों वाला पराठा, बहुत सारे ऐसे पराठे सुने होंगे, लेकिन खोए वाला पराठा कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज का ये ब्लॉग जो है ये आपको बेहद पसंद आएगा पहले की तरह। अच्छा, ये एक पाव मैदा है, एक कप बड़ा वाला मैदा जो है वो मेजरिंग कप वाला जो है वो एक कप ले लीजिएगा, लेकिन 250 ग्राम मैदा है मेरे पास। ठीक है, 250 ग्राम मैदा, आधा पाव चीनी है मेरे पास, उसके बाद जो है ये सौगी है, मेवे हैं। ठीक है, ये है एक चम्मच तकरीबन, 5 अदद इलायची के जो हैं वो मैंने दाने निकाल के उसको पीस लिए हैं, और इसके साथ जो है वो बादाम है माशाल्लाह। थोड़ा सा इसको मैं बिल्कुल बारीक करूंगा, बारीक करके इसके अंदर डालेंगे। उसकी वजह ये है कि पराठे के अंदर जब इसकी स्टफिंग करेंगे तो अगर ये टूटे फूटे हुए या हमने इसको सिर्फ तोड़ फोड़ के ही इसके अंदर डाला तो मैं कहता हूं कि ये पराठा जब हम बेलेंगे तो उसको फाड़ देंगे। ठीक है, खोया है आधा पाव मेरे पास, अच्छा वाला खोया लीजिएगा। और इसके साथ जो है पराठे के अंदर स्टफिंग के लिए घी है, और मैदे के अंदर शामिल करने के लिए जो है वो 3 चम्मच जो है वो मैं ऑयल इस्तेमाल करूंगा इसके अंदर। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं डो किस तरह गूंदेंगे हम। ये देखें, 1 चम्मच ऑयल इसके अंदर, एक पाव के अंदर 250 के अंदर मैदे के अंदर 3 चम्मच जो हम ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे डो के लिए। ठीक है, और सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मैदे को छान लीजिएगा। जब भी आप सर्दी हो गर्मी हो तो मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि मैदे को, आटे को जब भी आप यूज करें तो उसको छान लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर सुस्ती वगैरह ये वो चीजें होती हैं, तो बेहतरीन हाल यही है कि इसको छान लीजिएगा। मैंने छान लिया था, अब मैं इसका पूरी से थोड़ा सा सख्त होगा, पूरी से थोड़ा सा सख्त मैदा जो है मैं आपको दिखाता हूँ इसको गूंद के, और इसका पहले पेड़ा बनाऊंगा, पेड़ा बना के मैं बाहर निकाल लूंगा और फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें, थोड़ा सा मैदा मैंने जो इकट्ठा हुआ है वो मैंने निकाल लिया है। अब ये जो ड्राई मैदा है इसको भी मैं पानी की मदद से जो है वो कोशिश ये करें कि बहुत ज्यादा पानी पहले इस्तेमाल ना कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता काम करें, समझ के काम करें, क्योंकि ज्यादा पानी जो है वो कवर नहीं होता। ठीक है, और अगर आप कम पानी के साथ ये पेड़ा बना लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कवर हो जाएगा आपका। तो बड़े एहतियात के साथ आपने पानी का इस्तेमाल करना है, थोड़ा थोड़ा डाल के जो है वो आपने इसका पेड़ा बना लेना है। अब ये जो सारा मैदा निकाला हुआ है मैंने माशाल्लाह इसका पेड़ा बना के, वो मैंने इसके अंदर मिक्स करके अच्छे तरीके से मैं अब इसको गूंद लूंगा, मुलायम कर लूंगा। अच्छा माशाल्लाह, ये मैदा देखें मैंने गूंद लिया है, और मैदे को मैं दिखा देता हूँ आपको कि कितना ये टाइट होना चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये जबरदस्त मैदा जो है ये आपका गुन चुका है। ठीक है, अब हम इस मैदे के जो है वो पेड़े कर लेंगे, छोटे छोटे पेड़े करेंगे, और ठीक है बेशक इसको रेस्ट दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं। एक पाव मेरे पास तो मैदा है, और इसके पेड़े जो है आप ये बड़े वाले पेड़े आपने करने हैं। ठीक है, ये देखें 50 ग्राम का पेड़ा है ये, और इसी तरीके से हम जो है ये पेड़े कर लेंगे। ये माशाल्लाह इसके 6 पेड़े बन चुके हैं, और ये जो बकाया बचे हैं थोड़ा सा मैदा, ये भी इक्वल 6 के ऊपर जो है वो थोड़ा थोड़ा हम लगा देंगे। उसके बाद हम इसको इसके पूड़ी की तरह पेड़े जो हैं वो करके हम इस प्लेट के अंदर रख देंगे। थोड़ा सा इसको आपने तेल के साथ थोड़ा सा तेल लगा लेना है इसके ऊपर, और ये 6 के 6 पेड़े जो हैं ये आपने बना के इसके ऊपर रख देने। ये देखिए,
अच्छा ये पेड़े हमारे जो हैं ये रेडी हो चुके हैं, हम 2 से 3 मिनट तक इसको रेस्ट देंगे। अच्छा ये मेरे पास जो मेवा है, सौगी है, रेजन है, इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूंगा, क्यों कि ये जब हम पराठा बनाएंगे तो उसके अंदर माशाल्लाह अच्छे से फैल के आ जाए। ठीक है, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े बारीक कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये जो बादाम थे उसका मैंने पाउडर कर लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिए। अगर बादाम जो है वो मोटा हुआ तो आपका पराठा जो है वो फट जाएगा, इसलिए आपने ये बादाम जो है 2 चम्मच आपने इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है। ठीक है, इसके 3-4 टुकड़े कर लीजिएगा। ये जो मेवा है मेरे पास सौगी है, और यहाँ पे जो मैंने ये खोया है, अच्छा वाला खोया लीजिएगा, इसके अंदर जो है वो आपने सौगी डाल देनी है, और इसके साथ जो है ये बादाम जो मैंने पीसे हुए हैं वो भी इसके अंदर डाल के आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, कच्चा खोया लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 4-5 इलायची का जो दाने हैं, दानों को भी मैंने पीस लिया था और पीस के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब ये जो है ये हमारी पराठे के अंदर स्टफिंग बन गई, और इसको हमने पहले ही रेडी कर लेना है। बादाम, इलायची, मेवे और खोया, ये 4 चीज़ें जो हैं ये हमने इसके अंदर शामिल कर दी, और ये आपकी स्टफिंग रेडी हो गई। अच्छा, ये अब हम क्या करेंगे कि इस मैदे की हम अंदर जो लेयर लगाएंगे उसके लिए 2 चम्मच हमें घी चाहिए होगा। ठीक है, ये 2 चम्मच घी और 1 चम्मच जो है वो मैदा इसके अंदर शामिल करेंगे हम, और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये लई बन गई इसके अंदर लेयर लगाने के लिए। ठीक है, और ये देखें ये रेडी हो गया, ये हमारे पास रेडी हो गया। इन चीज़ों को हटा देते हैं। अब आ जाते हैं अपने पेड़ों की तरफ। पेड़े को हमने क्या करना है कि मैदा लगा के हमने इसको बेलना है। कोशिश करें कि बारीक जो है ना, जितना बारीक हो सके ये पेड़ा आपने उसी तरीके से बारीक जो है वो आपने इसको बेल लेना है। अब यह देखें, ऐसा पेड़ा आपने बेल के इस तरीके से रख देना है, और ये दूसरा पेड़ा भी हमने बेल लेना है। बिल्कुल बराबर में रखिएगा दोनों पेड़ों को, बड़ा मजा आएगा खोए का पराठा बनाने के लिए आपको। और इसको भी मैं उतना ही गोल जो है वो बेल दूंगा। ठीक है, ये देखें ये दूसरा पेड़ा जो है ये भी रेडी हो गया हमारे पास, और इसी तरीके से ये 6 के 6 पेड़े जो हैं ये हम रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, ये लास्ट वाला पेड़ा जो है ये भी माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि ये देखें, ये 6 के 6 पेड़े हमने इसको बिल्कुल पतला जो है वो हमने बेल लिया है। अब ये मैदा वगैरह जो है इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। और सफाई करने के बाद ये सबसे पहले वाला जो है पेड़ा है इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि और इसको जो है ना ये सुकड़ गया है, और थोड़ा सा और हम इसको पतला कर लेंगे। अब ये जो लई है हमारे पास बनाई हुई, जो आपके सामने मैंने मैदे और घी वाली जो है ये हम इसके अंदर जो है वो इसी तरीके से हाथ के साथ लगा लें। इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है, और हल्का सा जो है वो इसके अंदर ऊपर मैदा आपने छिड़क लेना है। मैदा छिड़क के ये जो दूसरा पेड़ा है वो भी आपने इसके ऊपर चारों तरफ से देख लीजिएगा, कोई जगह ऐसी खाली ना बचे कि जिसके ऊपर ये पेड़ा ना लगे। और इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से घी की एक तह लगाएंगे, मैदा मिला घी। ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, इसके ऊपर भी मैदा, सूखा मैदा हम छिड़केंगे। और छिड़कने के बाद ये हमारा आ गया
तीसरा बेड़ा, ये भी इसके ऊपर हम लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि जितने हम तय इसकी लगाएंगे उतनी दफा हम घी जो है ये इसके ऊपर, इसकी तय के ऊपर लगाएंगे और मैदा इसके ऊपर छिड़कते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये पांच और ये हो गया छठा पेड़ा आपका, इसको भी हम अब ये ऊपर वाली जो हमारा ये जो ऊपर वाला पेड़ा है इसको आपने घी नहीं लगाना, ये लास्ट में हम जब इसको बेल लेंगे, पतला बेलेंगे इसको, जब पतला बेल लेंगे तो फिर हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। ये देखिए, ये सारे पेड़े जो हैं ये हमारे रेडी हो चुके हैं, अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे इसको, रेस्ट दे के फिर हम इसको पतला बेलेंगे। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा दबा लेंगे हम, अब थोड़ा सा ठहर चुका है ये, ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा दबा के इसके नीचे जो है वो थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और ऊपर भी थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट करके हम इसको बिल्कुल पतला सा जो है वो बेल लेंगे। कोशिश करें कि रोटी जितना ये पतला हो, ठीक है, जितना जितनी हम रोटी पकाते हैं। और आप ये इसकी साइडें जो हैं वो देख सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें बिल्कुल पतली सी साइड है इसकी, ठीक है, बस इतना सा आपने रहने देना है इसको। ये पूरा मैदा जो है ये बेल चुका है, अब ये जो बकाया घी हमारे पास बचा हुआ है ये हम इसके ऊपर, इसके ऊपर सारी जितनी भी ये बड़ी रोटी है इसके ऊपर हम इसको लगा देंगे। ये देखें अच्छे तरफ चारों तरफ माशाल्लाह ये लग गई, और इसके बाद अच्छा खासा मैदा जो है वो आपने इसके ऊपर भी छिड़कना है, क्योंकि पहले इसलिए नहीं लगाई थी कि ये बिलेगी नहीं, अगर आपने पहले इसके ऊपर ये घी लगा देते तो ये कभी भी बिलता नहीं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको यहां से फोल्ड कर लेना है, अब यहां से आपने खींच के थोड़ा सा इसको बिल्कुल पूरा कर लेना है, ठीक है, ये देखें ये हो गया रोल आपका बन गया, ठीक है। जरा सा इसको घुमा के हम थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे। अच्छा, ये इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट आ गई है, अब हम क्या करेंगे कि इसको तकरीबन 1 इंच के करीब जो है वो हम इसको काट लेंगे, ठीक है। ये आप देखें इसके अंदर तय जो है कितनी तय बन चुकी है इसकी, ठीक है। अब ये माशाल्लाह हमारे पराठे के लिए ये रेडी हो चुका है, और इसी तरीके से ये माशाल्लाह सारा जो है ये हम काट लेंगे, इसको काट के इसी तरह का ये पेड़े तैयार हो गए हमारे, क्योंकि इनको अब बहुत ज़्यादा बाल आ चुके हैं और इसको भी हमने रेस्ट देनी है। इसको हम काटेंगे और काट के जो है वो रेस्ट इसको कम अज़ कम 10 मिनट जो है वो रेस्ट देंगे। अच्छा, ये सारे पेड़े थोड़े से ठहर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे कि इसको इसी तरीके से नीचे दबा के इसकी टिकिया तैयार कर लेंगे, इस तरीके से। ये सारे जितने भी मेरे पास पराठे हैं या रोल में से जो पीस हमने निकाले हुए काटे हुए ये इसी तरीके से हम इसको ऊपर से बिठा के ये देखें इस तरह की टिकिया तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये 5 से 7 मिनट हमने इसको दिए हैं और ये ठहर चुका है मैदा, और अब हम इसको एक प्लेट के अंदर जो है वो निकाल लेंगे और इसकी बिलाई शुरू कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैदा ले लें,
ठीक है, आसानी रहेगी। और इसको जो है ये दोनों तरफ से आपने मैदे कोटिंग करके आपने इस तरीके से इसकी टिकिया जो है वो तैयार कर लेनी है, ये देखें। ठीक है, ये एक, और इसी तरीके से ये दूसरी, और ये आठ की आठ टिकियां, जितनी भी इसकी टिकिया बनी है ये मैं पहले इसी तरीके से इसको बेल कर रेडी कर लूंगा। अच्छा, ये माशाल्लाह सारी टिकियां जो हैं ये रेडी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पहली वाली टिकी है इसको हम थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो पानी हम इस तरीके से लगा देंगे, क्योंकि किनारे पे लगना जो है ये लाजिम है। अब हम ये जो स्टफिंग हमने खोए की बनाई हुई है ये इसके अंदर हम इस तरीके से, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने फैलाना नहीं है इसको, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फैल जाएगा। थोड़ा सा हम इसको इकट्ठा करके यहाँ पे रख के ऐसे कोशिश ये करेंगे, बिल्कुल बारीक चुनडे जो हैं ये इसकी तैयार करके हमने इस खोए को बंद कर देना है, क्योंकि ये फ्राई होगा, डीप फ्राई होगा, तो कोशिश यही करेंगे कि ये बहुत मोटा यहाँ पे ना ये बने। ठीक है, इस तरीके से हमने बिल्कुल बंद कर देना है। और ये देखें, बहुत ज़्यादा अगर मोटा बनाएंगे तो यहाँ पे ये कच्चा रह जाएगा। कोशिश ये करें कि हल्के हाथ के साथ इसको बनाएं, और बना के ये जो है इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे, और लेकिन अभी फिलहाल इन सब की स्टफिंग जो है वो पूरी कर लेते हैं। इसके अंदर मैदा जो है वो लगा, खोया जो है इसके अंदर भर लेते हैं, स्टफ कर लेते हैं पानी लगा के। दोबारा मैं आपको दिखा दूं कि आपने हसबे ज़रूरत हल्का, बहुत ज़्यादा आपने यहाँ तक नहीं लेके आना वरना तंग हो जाओगे। ठीक है, इसको नीचे रख के ये दोनों साइडों से आपने चुटकी की मदद से जितना बारीक हाथ रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको भी आपने इस तरीके से चुनते हुए बिल्कुल बारीक आपने यहाँ पे ले आना है, और यहाँ पे ला के आपने इसको भी इसके अंदर ही दबा देना है। ठीक, और ये आपका स्टफ खोया जो है वो रेडी होता जा रहा है। इसी तरीके से ये सारे जितने भी मेरे पास पेड़े हैं इसको मैं स्टफ करके रख लूंगा। अच्छा, ये लास्ट दफा मैं आपको बता दूं कि आपने इस तरीके से चारों कोने जो हैं वो इसको पकड़ के इस तरीके से इसकी पोटली बना लेनी है, और इस जगह को जो है वो कोशिश करें कि आप इसको दबा लें, और दबा के आपस में ये मिल जाएगा मैदा, और ये खुलने के चांस जो हैं ये इसके कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपने थोड़ा सा यहाँ से इसका गोल पेड़ा बना लेना है। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे पराठे जो हैं, खोया पराठा, ये हमारे रेडी हो गए। अब ये जो पहले वाले बने हुए हैं इसका मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने इसको ज़रा सा हाथ की मदद से या बेलन की मदद से, बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं बेलना, ठीक है, इसी तरीके से आपने ये देखें, ये आपका पराठा रेडी हो चुका है। ठीक है, दबाएं इसको, दबा के हल्के हाथ के साथ कोशिश करें कि इक्वल ये इसकी मोटाई जो है वो इक्वल रहे। ठीक है, ये आपका दूसरा पराठा रेडी हो गया, और इसी तरीके से ये तीसरा पराठा जो है ये भी माशाल्लाह रेडी हो गया। अब हम ये जो सारे जितने भी पराठे मेरे पास हैं, तीन तीन छः तीन नौ, ठीक है, इसको मैं इसी तरीके से बेल के मैं इसको तैयार कर लूँगा, रेडी कर लूँगा। अच्छा, ये बिले हुए पराठे जो हैं ये माशाल्लाह एक प्लेट के अंदर हम इसको तरतीब से रख लेंगे, और फ्राई के लिए हम अपने चूल्हे पे चलते हैं, और इसी तरीके से इसको हमने उठा लिया। ये देखिए कितने माशाल्लाह खूबसूरत जो हैं ये आपके पराठे रेडी हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने तेल जो है उसको फ्राई करने के लिए तेल हमने गर्म कर लिया है,
और गरम होने के लिए रख दिया है। एक काम और करते हैं, एक फ्राई पैन के अंदर हम क्या करेंगे कि तकरीबन कोई 100 ग्राम के करीब जो है वो चीनी इसके अंदर डालेंगे पैन के अंदर, और इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो शामिल करेंगे कि जितना सा ये चीनी जो है ये भीग जाए, ठीक है, क्योंकि इसका शीरा भी हमने रेडी करना है। जब तक हम इसको फ्राई करेंगे उतनी देर में हमारा शीरा जो है ये रेडी हो जाएगा। इस चूल्हे को भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको हलाएंगे थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये माशाल्लाह बड़ा ये उतनी देर तक पक जाएगा, क्योंकि हमने पराठे के ऊपर जब डालना है, जब ये कुनकना सा रह जाए उबलता हुआ हमने डालना, ये चीज का इस चीज का ख्याल कीजिएगा। और इसको तैयार होने के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारा तेल जो है ये गर्म हो चुका है और इसको हमने तेल को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हमने हल्के गर्म तेल के अंदर हमने इसको डालना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा ये बबल्स इसमें नहीं निकल रहा है, और हल्के गर्म तेल के अंदर हम इसको डालेंगे और ऊपर आने का इंतज़ार करेंगे कि माशाल्लाह ये उठ के ऊपर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि इसको उबाल आ चुका है, ठीक है, थोड़ा सा हसबे ज़रूरत मैंने पानी डाला था इसके अंदर, और इसको उबाल आ चुका है और हमारा शीरा जो है ये रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो पराठे हैं, खोया पराठा हमारा, ये उठ के ऊपर आ चुका है और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और फ्लॉफी जो है ये क्रिस्पी भी होगा, और माशाल्लाह इसकी तय आपने जो देखी है, जिस तरीके से मैंने इसकी तय लगाई है, बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा जो है ये हमारा रेडी होगा। तो अभी हम चूल्हे को जो है वो दरमियान में कर देते हैं और हल्की आंच के ऊपर ये पक जाएंगे, अंदर तक ये पके हुए जो होने चाहिए, और ब्राउन करके मैं इसको निकालूंगा। आपने देखा कि एक तरफ से जो है ये माशाल्लाह ब्राउन हो चुका है, अब साइड मैंने इसकी पलट दी है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी तहें जो हैं उस तरफ से ये ब्राउन होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह दोनों साइडों से जो है ये अच्छे से पक चुके हैं, और ये अगर मैं आपको दिखाऊं, इतने ज़बरदस्त जो हैं ये दोनों साइडों से हमारे खोया पराठा जो है ये रेडी हो चुका है। ये सीधी साइड है इसकी, और ये भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त पक चुके हैं, और आप देखें कितने कितने ज़बरदस्त इसका कलर जो है वो आ चुका है। और अब हम इसको तेल से निकाल लेते हैं, और थोड़ा सा घी निकलने तक जो है हम इसका वेट करेंगे, और इस तरह हमारा शीरा है, ये शीरा किस तरीके से लगाएंगे इसको ये आगे चल के इंशाल्लाह बताएंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। तो अच्छा जी, अब हम जो है ये दूसरा बैच इसके अंदर डाल रहे हैं, और इसको भी उसी तरीके से फ्राई करके हम निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह ये भी उठ के ऊपर आ चुके हैं। अब हम इन सारे पराठों को, ये जो खोए के पराठे हैं, ये उसी तरीके से हम दोनों साइड से ब्राउन करके हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह ये हमारे 9 के 9 पराठे जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। खोया पराठा बहुत ज़बरदस्त है, और उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग जो है ये आपको बहुत पसंद आएगा। और अब आ गई शीरे की बारी, ठीक है। ये देखें, जब तक ये फ्राई हुए उतनी देर तक खोया अपना शीरा जो है ये हमारा माशाल्लाह ठंडा हो चुका है, और शीरे को ठंडा करके हमने इसके ऊपर डालना है। बेशक दोनों तरफ से आपने, अगर ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो दोनों तरफ से आपने डिप कर लेना है, डिप करके इसको निकाल लेना है, लेकिन आपका शीरा जो है ये मस्त ठंडा होना चाहिए, ठीक है। ये देखें मोटा शीरा और ठंडा शीरा है, और आपने, मैंने तो हसबे ज़रूरत इसके ऊपर डाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है वो मीठा नहीं खाते हम लोग, मैं ही सिर्फ खाता हूँ, बच्चे कम खाते हैं, ठीक है। और ये देखें ये रेडी हो गया। अब छोटी सी हम गार्निश इसके ऊपर करेंगे, और करने के बाद आपको दिखा देंगे जी। तो आपने देखा माशाल्लाह आज जो है ये आपको डिफरेंट चीज़ बना के दिखा दी है मैंने। ये है खोया पराठा, ठीक है, और इसको शीरा लगा के बहुत ही ज़बरदस्त मैंने बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि इसी रेसिपी के साथ जो है ये आप बनाएंगे, बना के अपनों में, अपने प्यारों में, अपने हमसायों में इसको तकसीम करेंगे और दाद वसूल करेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग ये रेसिपी है। और चलते चलते एक प्यारा सा शेर कह दूँ कि अंदाज़े बयां घर के कुछ शौक नहीं है,
अंदाजे बयां, गर्चे कुछ शोक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इसके साथ ही अफजल निजामी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।